ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था, गैप अप सस्टेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी गैप अप होता है, खुलता है मार्केट, ऊपर जाता है, एक जगह के कोरिलेटर्स आते हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट पे एम पैटर्न बनाए नंबर वन, या फिर अगर ट्रेंड लाइन जा रही है और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दे नंबर टू, ठीक। और नंबर थ्री आपका होता है ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करें एंड देन ब्रेक डाउन दे। जब भी अगर आपसे ओपनिंग में ट्रेंड छूट गई हो और आपको लगता है ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो रिवर्सल की साइड जाओ। अगर ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो डेटा बता देगा, वरना क्या करो, रिवर्सल को प्लान करो और रिवर्सल में डाउनसाइड करो। ज्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं, छोटा प्रॉफिट लेके देन निकल जाओ। ट्रेंड मिस हो जाता है फर्स्ट में। आज क्या हुआ, आज देखते हैं। आज अगर ओपन हुआ तो जो मार्केट में फर्स्ट टिक था, इसलिए मेरी ट्रेंड छूट गई यहाँ पे, क्योंकि इसने खुलते नीचे आया। मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट खुलते ऊपर जाएगा। एनीवेज ऊपर के तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। ये सेकंड वाला हमारे केस था, क्या था, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे, देन इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैं निफ्टी में गया था, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ख्याल। अब देखो कल क्या हो सकता है। यहां पे सेम चीज ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक, ऊपर पे यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, करेक्ट। यहां पे इस लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा, हम लोग बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस तक के टारगेट के लिए। साथ में सेल भी कर सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो। जैसे ही लेवल आपका टूटेगा 33,450 का लेवल टूटेगा, तो हम लोग सेल की तरफ जा सकते हैं। 50-60 पॉइंट का मैक्सिमम ऐसा रखेंगे। आज अगर ये देखो, ये वाला लेवल अगर टूट जाता तो मार्केट आज थोड़ा सा ऊपर जा सकता था, बट लास्ट में अल्टीमेटली एफआई ने सेलिंग करी होगी, फिर नीचे आ गया मार्केट। ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि डेटा कैसा बन रहा है। अगर आप देखें हम ऑप्शन चेन में, तो ये कॉल अनकवर हुई है, देखा 34,000 की भी कॉल अनकवर हुई है। दिस गिव्स अ बुलिश सिग्नल, मतलब डेटा में कॉल अगर अनकवर होगी तो ये बुलिश सिग्नल होता है। 33,700 पे आपका मैक्सिमम भी खड़ा है, 33,700 जैसे डेटा क्या कहेगा, 33,750 के ऊपर जैसे जाए हम बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट से ज्यादा का ऐसा नहीं होगा। एंड जो चार्ट पे लेवल था 33,990 उस तक के टारगेट के लिए। अगर हम डाउन साइड में देखें तो पुट राइटिंग भी हो रखी है। मैं बात करूं अगर इस जगह पे आपका 33,500, मतलब 33,500 से लेके 34,000 ये रेंज बन रही है एज पर डेटा। चार्ट भी देख लेते हैं, 33,750 के ऊपर एंट्री बन रही है, ये हमारा था ना ये वाला जोन, करेक्ट। 33,800 मतलब चार्ट के ऊपर जो एंट्री बन रही है 33,800 के ऊपर है, और इस पे जो बन रही है 33,750 पे डेटा पे। लेकिन अब याद रखना एक चीज, क्योंकि मार्केट बोथ साइड अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड देंगे। अगर मान लो समवेयर अराउंड ये देख रहे हो आप, इस जगह पे आपका एक सपोर्ट है, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, मतलब अगर ये 33,450 के नीचे हम सेल करेंगे तो बड़ा टारगेट सिर्फ केवल यहां तक का टारगेट रखेंगे, 33,200, 33,250, ठीक है ना। क्यों रखेंगे, बिकॉज मार्केट रेंज में है। द मूवमेंट की कहीं भी साइड ब्रेकआउट देती है, असली ब्रेकआउट कब आएगा, इस वाली जगह पे, जब ये वाला आपका टूटेगा 34,100, इसके ऊपर हम लोग फिर पोजीशन की तरफ प्लान कर सकते हैं। सेम चीज निफ्टी में बनी थी, निफ्टी खुली ऊपर थी लेकिन द मूवमेंट एकदम से नीचे आई, उसके बाद ही फिर ऊपर गई अगेन। ये बना था फ्लैग एंड पुल पैटर्न, अगर ब्रेकआउट होता तो इसको भी बायिंग हिट बनता है, लेकिन ये लगा था ब्रेक डाउन दे दिया, बॉटम पे कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर गई, देन इसी लेवल बन गई। सेम चीज इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, देखो ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आती जा रही है और नीचे से भी बन रही है, जिधर की भी साइड ट्रेंड लाइन टूटेगी, 15,900 का लेवल आ रहा है ऊपर में, 15,900 के ऊपर जाएगा तो 15,975 तक आपको दिख सकता है। नीचे के लेवल में ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल सपोर्ट लिया, ये है सपोर्ट 15,750, मतलब अगर मैं इसकी भी रेंज बात करूं निफ्टी की, तो 15,750 से 16,000 तक की रेंज बन रही है, 16,000-16,050 तक की, ठीक है। अब अगर आप रेंज ट्रेडर हो तो क्या करते हैं हम लोग, रेंज ट्रेडर के हिसाब से अपर रेंज पे कोई भी सिग्नल नेगेटिव दे, एम पैटर्न बने तो, कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे तो, और तीसरा आपकी यहां से कोई ट्रेंड लाइन जा रही है उसको ब्रेक डाउन करे तो। सिंपल एंट्री एग्जिट रखो, वो टिपिकल नहीं बनाना। बॉटम पे क्या होता है, सेम चीज बॉटम पे, मार्केट नीचे आया, अगर डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है तो इस लेवल पे हम लोग बाय करते हैं, नीचे आगे कंसोलिडेट करता है, देन इसका जो ब्रेकआउट देता है तब हम बाय करते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन तोड़ता है, जैसे इस केस में डाउन ट्रेंड चल रहा है इसको तोड़ता है कभी। ऑप्शन चेन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन में निफ्टी का मैक्सिमम वही खड़ा है 16,000, मतलब 16,020-16,025 के आसपास ये अच्छा रेजिस्टेंस लेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, 16,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग एक बार अच्छे ऊपर का साइड का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बॉटम में अगर नीचे की साइड देखें तो 15,800 पे आपकी आज मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है, मतलब आज के दिन अगर हम बात करें तो हमको रिलीफ क्या मिला है डेटा में कि पुट राइटिंग हुई है। कल के दिन देखा पुट राइटिंग नहीं, इससे पहले पुट राइटिंग हुई। मैंने आपको याद करो फ्राइडे की वीडियो में क्या बताया था कि बहुत एग्रेसिव सेल होने का टाइम नहीं है अभी,
बिकॉज मार्केट का फंडामेंटली अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता है, इसके हिसाब से कितना रेंज बन रही है 15,800 से 16,000, ठीक है, इमीडिएट रेंज है। ऐसा नहीं होता कि रेंज टूटती नहीं, ऑब्वियसली रेंज टूटती है तो फिर हम लोग सेट कर ट्रेड लेते हैं, लेकिन इमीडिएट है। अब एज अ ट्रेडर अगर एंट्री गलत जगह पे हो रही तो भी दिक्कत है। अब आपने डायरेक्ट से 15,820 पे सेल कर दिया तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं ना, या फिर आपने 16,000 के आसपास बाय कर लिया तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। या तो शॉर्ट कवरिंग दिखे, रेंज ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, तब आपको बाय सेल करना पड़ता है, नहीं तो रेंज में ट्रेडिंग करनी होती है। चलो ये स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक आपको दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक अच्छा गोल्डन दिखाया, देन ये कहते हैं इसको पोल एंड फ्लैग, मतलब आपका ये बन गया पोल और ये आपका फ्लैग बन गया, इसका आज ब्रेकआउट आया है। एग्जैक्टली कहां पे एंट्री एग्जिट करनी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, ये ब्रेकआउट आया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक आपका क्या आता है, जैसे हमने क्या देखा था उसमें बुलिश पोल एंड फ्लैग बना था, इसमें बेयरिश पोल एंड फ्लैग बना है। यहां पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया, करा, देन ब्रेकडाउन। अब अगर इसका नेक्स्ट लेवल थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है यहां तक के लेवल भी, जो आपको लेवल दिखता है यहां तक के भी, अगर गैप अप खुलता है तो इग्नोर करना है, या फिर आपका प्लस में ग्रीन में ऊपर जा रहा है 15 मिनट प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना है तो इग्नोर करना है। एग्जैक्टली लेवल मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये देखो आप क्या है, एक चैनल बना हुआ है, अब ट्रेंड का चैनल है, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। दो चीज हो सकती है यहाँ पे, रिस्की ट्रेडर क्या होता है, अगर यहाँ पे आपका बुलिश सिग्नल बन रहा है तो एक स्विंग ट्रेड अच्छा मिल जाता है ऊपर तक का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है अगर आपने नीचे की साइड पर बाय किया हुआ है। वेयर अगर ये टूटती है ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन टूटती तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है 230 रुपए तक का। बाय या सेल करना है किस तरीके से देखना है वो आपको बताऊंगा चैनल पे। अगेन आप देख रहे हो ये मैरिंगो का चार्ट है, देन आप ऊपर गए, ऊपर नीचे लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, द मूवमेंट ये ब्रेकआउट आता है तो स्विंग ट्रेड अच्छा मिल सकता है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। ब्रेकडाउन भी आ सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन पे आपको मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले सकता है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ऐसी कंडीशन में जनरली क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का हो सकता है कि अगर ब्रेक कंसोलिडेट करके सिग्नल मिल जाए ऊपर तो ये आपका रेंज से ऊपर अपर रेंज तक जा सकता है। जो लोग रेंज ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग लिए अच्छा स्टॉक बन सकता है। नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन आएगा तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है इंट्राडे में, किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करनी है, एंट्री गलत जगह पे भी नहीं करनी, पता लगा आपने ऊपर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं तो आप बाय कर गए, नीचे आपने लो पे सेल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में समझने होते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो।